नई तरीन चीज आप कह सकते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स जो हर बंदे के हाथ में। अब इसमें क्या क्या कमालात है मेरे जैसा कम फहम आदमी समझ ही नहीं सकता। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, महसूस ना कीजिएगा शाह साहब, आपके महफिल में वो बंदा बेहुजूर है जो सुन के समझ के मुस्कुराएगा भी नहीं। मेरी बात उस बंदे के लिए होती ही नहीं जो पढ़ने वालों को जज करने के लिए आता है, मेरी बात उस बंदे से है जो यहाँ इबादत समझ के बैठे। एक आम बंदे की आम मोतबर तखलीक जब आम बंदे की समझ में नहीं आती, दुख उस वक्त लगता है जब खाकी दुनिया से अंकल उठ के उस जात की तखलीक के बारे में कहते हैं वो मुझे जैसे। अरे उसने तो कहा था मैं लगा फलक ना इंसान ना फिर उसने तकवीन, उसने तो फरमाया था जब आम बंदे की तखलीक समझ में नहीं आती तो वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के खातम भी हैं और बायस तखलीक दो आलम भी हैं, सिर्फ को सफा जिनकी कायनात इल्म यकीन जिनका खजाना सोहफ अंबिया जिनके फजाइल की लाजवाब तफसील कुतुब आसमानी जिनकी फजीलत का गैर फानी मजमून पढ़े लिखे जवान में मेरी बात है वो खुदा की आदर भाई महबूब तरीन हस्ती माजरत के साथ वो इतनी महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के खातम भी हैं और बायस तखलीक दो आलम भी हैं जिन्हें अल्लाह ने हम जैसे थे नहीं बल्कि हम जैसा बनाकर भेजा, हम जैसे थे नहीं मगर हम जैसा बनाकर भेजा, जो हाथ बने हैं वो बने, जो हम जैसे थे नहीं मगर हम जैसा बनाकर भेजा। अब ये उनके हम जैसा बनने का कमाल था कि वो ऐसे हम जैसे बने, ऐसे हम जैसे बने, ऐसे हम जैसे, ऐसे हम जैसे बने कि हम जैसों को आज तक ये शक है कि वो हम जैसे थे। हम जैसों को आज मेरे भाई याद करिएगा जश्न है मैं कभी बात का मैं कहता, अब वो ऐसे हम जैसे बने कि हम जैसों को आज तक ये गलत फहमी है बेचारों को कि वो हम जैसे थे, ना वो अकली एतबार से हम जैसे, ना वो मनसब के एतबार से हम जैसे, ना वो आजा के एतबार से हम जैसे, ना वो अशिया के एतबार से हम जैसे। मुझ जैसे तालिबे इल्म को ये चार एतबार समझ में आए हैं, यकीनन मुझसे सारे ही पढ़े लिखे लोग हैं जब मेंबर पे आते होंगे आपको बताएंगे करोड़ों चीजें ऐसी हैं जिनमें हम उन जैसे नहीं हो सकते, मुझे ये चार समझ आएंगे जिसपे आप कहते हैं सुबह तक बात करते हैं। अली के पास अकली ने ये चार ही निकाली है, अकली के एतबार से मैं आका जैसा नहीं हूँ, मनसब के एतबार जैसे से मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा नहीं हूँ, दो चीजें हो गई, आजा के एतबार से उन जैसा नहीं, अशिया के एतबार से उन जैसा नहीं हूँ, ये चार चीजें मैंने आपको कही। अरे मुझ में मुझ जैसे बनकर आए हैं, मुझ जैसा दिखने के बावजूद भी मैं उन जैसा नहीं हो सकता, ये हाथ मेरा भी है, हाथ मेरे आका का भी था, ये मेरा हाथ मोड़ के जब चाहे तोड़ा जा सकता है और मेरे आका का हाथ वो है अगर इशारा करे तो बादल पलट कर आते हैं, इशारा करे तो दरख्त चल के आते हैं, इशारा करे तो दौड़ती हुई गो पलट के आती है और कलमा पड़ती है, ये हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ ऐसा करीमी वाला हाथ है कि उस हाथ पर अगर मक्के की कंकरियां आए तो उन पत्थरों को कलमा पड़ना पड़ा। और ये बन के वापस आ
पूरी आल का क्या हाल। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी इनसे है जो जेरे किसा रहते हैं, दुश्मनी इनसे है जो जेरे किसा रहते हैं, और मेरे मौला तेरी नालायन के एक नक्श पे मरने वाले तेरी दस्तार के वाले से खफा रहते हैं। अल्लाह मोहम्मद वासिल साहब के बड़ा कमाल शहर है, तेरी नारायण के एक नक्श पे मरने तेरी दस्तार की बारिश से कफा है। पढ़ूंगा शेर। बिस्मिल्लाह। अच्छा शेर मौला की कसम मैंने कल सुना और मैंने स्पेशली कॉल किया दिया में जिन्होंने किसी जश्न में पढ़ा और इत्तेफाक से होता तो तकलीफ मुझ तक पहुँच गया। मैंने उनका नंबर निकाल के बकायदा उनको कॉल किया और उनको कॉल करके मैं कितनी देर वाह वाह करता रहूँ मैं भी नहीं जानता। शेर है साईं जाफर जमान का, आप जरा शेर सुनिए। आपको मौला का वास्ता, मैं बड़ी मेरी हसरत है कि ये जो जवान है ना जिनके चेहरों पर बोरियत छाई पड़ी है वो मिल जाएंगे और मैं कहता हूँ मेरे कद से बड़ी बात है। बंदा वही समझेगा जिसे शायरी की अलिफ लाम नून का पता है, जिसे नहीं पता उससे मैं पहले माफी मांग रहा हूँ। मिसराए के सरकार की जुल्फों को हिलाने लगे शब्बीर, छेड़ना नहीं था या छोड़ना। सरकार की जुल्फों को हिलाने लगे शब्बीर, सरकार की जुल्फों को हिलाने लगे शब्बीर, अल्लाह को इन जुल्फों पे प्यार आने लगा है। शेर पढ़ो, मलकूत भी हैरान है कि जो कुछ नहीं खाता महबूब की जुल्फों की कसम खा लेता है।